अभी निकल गए हम लोग फिर से घाटशिला का कुछ पॉइंट देखने के लिए। आज थर्ड डे है हम लोग का यहाँ पे। झिनुक कैंप से निकले, थर्ड डे घाटशिला स्टेशन की तरफ जाएंगे। स्टेशन के स्टेशन पे ट्रेन है हम लोग का ऑन टाइम 2:30 से 3 बजे के बीच, लेट भी हो सकता है। उसके पहले कुछ स्पॉट्स बाकी है हम लोग का घाटशिला का, वो देख लेंगे। वो देख के डायरेक्ट उसके बाद स्टेशन की तरफ जाएंगे। आज जो जो स्पॉट देखेंगे उसके अंदर पड़ेगा क्या लेक का नाम क्या है किशन भाई, बुरुडी लेक, और वो वाला फॉल्स जो है बुरुडी लेक, और कौन सा देखेंगे धारागिरी फॉल्स ना, धारागिरी फॉल्स, बुरुडी लेक और चित्रकूट। ये 3 पॉइंट देखेंगे मेनली, और कुछ अगर देख पाए रास्ते में वो भी देखेंगे, आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलो, पर ये असल में अभी आप लोग को एक चीज दिखाएंगे घर का, गाय को यहाँ पर रखा जाता है जो है यहाँ का, को यहाँ का जो घर का ढांचा है, स्ट्रक्चर है, ये आपको थोड़ा डिटेल में दिखाएंगे आपको। इन लोग कैसे रहते हैं, ये लोग, इन लोग का लाइफस्टाइल कैसा है, अंदर जाके इंटीरियर में जाके आप लोग को दिखाएंगे। पहले आपका एक घर का जो एक्सटीरियर है इसका डिज़ाइन या ढांचा दिखा देते, ये यहाँ का स्पेशलिटी है मेनली ये एरिया का। चलिए अंदर चलते दिखाते आपको। चलिए और थोड़ा अंदर जाके आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको गोम को हिंदी में क्या बोलते हैं, गेहूं बोलते हैं। हाँ गेहूं जो भंगानी होता है यहाँ पर सुखाते हैं। देखिए एक चीज़ बोलना, मतलब इन लोग को बोलना चाहिए, मैं बहुत सारा, हम लोग वेस्ट बंगाल का गांव में जाते हैं वहाँ पर, लेकिन किंतु इतना नीट एंड क्लीन नहीं रहता वहाँ पर। यहाँ पर जो तारीफ़ करने वाला, वाकई तारीफ़ करने वाला बात है, जो यहाँ पर सब कुछ नीट एंड क्लीन है, क्लीनलीनेस 5 out of 5 बोलना पड़ेगा। चलिए घर का पीछे थोड़ा जाते हैं, देखते हैं वहाँ पर कैसा है सीन। यहाँ पर भी एक चुल्ली है, उन जिसको बोलते हैं बंगला में। सिंपल विलेज लाइफस्टाइल, ऑर्गेनिक विलेज लाइफस्टाइल पूरा, लेकिन लॉन्जिविटी इन लोग का इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि ये लोग ज़्यादा, इन लोग का डिमांड नहीं है, नॉर्मल सोते खाते हैं, काम करते हैं। वेल मेंटेन्ड, मतलब नीट एंड क्लीन, इतना नीट एंड क्लीन, मामी ओटा ही देखी, मैं वही बोल रहा हूँ, ये इतना नीट एंड क्लीन बंगाल का कोई गांव में उतना नहीं रहता ज़्यादा। ये भी बंगाल में, बंगाल के अंदर ही पड़ता है, लेकिन मैं तो दी जाए रही। चलो चलिए चलते हैं फिर से हम लोग अपने लोकेशन की तरफ। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए हम लोग ये वीडियो उठाए, कैसे इन लोग का लाइफस्टाइल रहता है यहाँ का। क्यों लो जावी 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 है जावी नागदी पोटा पोछ रे अभी बुरुंडी लेक के यहाँ पर चले आए। एंट्री फी देना पड़ा हम लोग को 30 रुपए, 50 रुपए मांग रहा था,
यहाँ का जो एंट्री के जगह पर है, एंट्री के जगह पर यहाँ पर खाने का बहुत सारा ढाबा है ऐसा। आप लोग यहाँ पर जब आएंगे यहाँ पर लंच करके जाइएगा रिटर्न के टाइम में, तो आपको टाइम का बहुत सारा बचत होगा। ये एंट्री पॉइंट, यहाँ पर बोट राइडिंग भी है 100 करके स्पीड बोट राइडिंग, और यहाँ से आपको नीचे उतर के जाना पड़ेगा। पूरा लैंडस्केप व्यू देखिए एक बार जगह का। जीसन भाई ये टूरिस्ट स्पॉट है, यहाँ पर भी सेम जीस देखने को मिलता है। गवर्नमेंट का मेंटेनेंस यहाँ पर होता है नहीं होता ना? सिर्फ यहाँ का लोकल लोग ही मेंटेन करते हैं ना, लोकल लोग। बोटिंग कॉम्प्लेक्स। अच्छा, तो जीसन भाई हम लोग का जो है, हम लोग का पूरा टूर गाइड है, पूरा उनका ही गाड़ी है, उनका खुद का पूरा, वही सब बंदोबस्त कर देंगे आपको। जो होगा होटल फिक्सेशन से स्टार्ट करके खाने का चीज़ सब कुछ जीसन भाई कर देंगे पूरा। नंबर में तो स्क्रीन पे दे दिया जीसन भाई का, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। और यहाँ पर जो है व्यू देखिए, व्यू को एंजॉय कीजिए। जो केतकी लेक गए थे हम लोग वहाँ पर भी एक अलग ब्यूटी है, लेकिन यहाँ पर जो मेन ब्यूटी है वो है चारों तरफ पहाड़, बीच में लेक। यहाँ से स्पीड बोट राइड होता है, देखिए वहाँ पर जूम करके आपको दिखा रहा हूँ मैं। एक बोट में 4-5 आदमी आराम से बैठ सकता है। আসবো তুমি যাওয়া যাবে না? টিকিট দেওয়া পড়ে গা শায়দ পেলে উসকে বাদ এন্ট্রি হোগা ইয়া পর। बोट के लिए हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। स्टार्ट हो गया हम लोग का स्पीड बोट, 100 रुपए में पूरा लाइफ इंश्योरेंस। ডিম ভাজা হবে আর কি, ডিম ভাজাও তো একটা।
এখানে इसके बाद हम लोग जा रहे हैं धारागिरी पे, धारागिरी फॉल्स एंड धारागिरी हिल्स। रास्ता दिखा के हम लोग को ले जा रहे एक आंटी जी, गांव का आंटी जी जो है। यहाँ पर फिर से थोड़ा ट्रेकिंग है, मैजेस्टिक जगह ये सब, एकदम कलकत्ता के पास ही इतना बढ़िया सुंदर नेचुरल ब्यूटी, अनएक्सपेक्टेड। पूरा यहाँ का सीन देख के पूरा जुरासिक वर्ल्ड का सीन याद आ जा रहा है, जुरासिक पार्क का पुराना वाला जो जुरासिक पार्क का सीन था, ये जगह वैसा ही लग रहा है पूरा। यही है स्पॉट, व्यू स्पॉट। यहाँ पे अभी पानी सूख गया है थोड़ा, यहाँ से पानी पूरा बह के जाता है यहाँ से, बारिश के टाइम में या समर टाइम में, विंटर के टाइम में थोड़ा सूख जाता है, लेकिन तब भी जो ब्यूटी है। अभी यहाँ से निकल जा रहे हैं हम लोग, यहाँ से निकल के चित्रकूट पार पे जाएंगे या स्टेशन पे जाएंगे, वो डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर, ट्रेन का टाइम के ऊपर, देखते हैं। चलिए, उसके बाद चित्रकूट पार पे तो हम लोग नहीं जा पाए ट्रेन मिस होने के डर से, लेकिन जिशन भाई हम लोग को स्टेशन पे जाने का रास्ते में एक बढ़िया जगह दिखाया, जो जगह का आइडिया हम लोग को नहीं था, हम लोग का शेड्यूल में भी नहीं था, लेकिन ये जगह देख के हम लोग जस्ट क्या बोले आपको, कुछ बोलने का कुछ ज़रूरत नहीं है। जो भी ये वाला ट्रिप जो था बहुत ही यादगार रहेगा मेरे लिए और मेरे दोस्तों के लिए। जब भी मेरा मर्जी होगा मेमोरी लेन पे जाएंगे, यूट्यूब में जाके ये वीडियो को मैं बार बार रिपीट करके देखूंगा और बोलूंगा वो भी क्या दिन थे।